वेलकम बैक गाइस। तो आज हम करने वाले हैं अलोला रीजन वर्सेस कालोस रीजन के पोकेमॉन्स के बीच में एक मुकाबला। हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं अलोला वाले पोकेमॉन, क्योंकि कालोस वाले पोकेमॉन तो यार मैं खेलता रहता ही हूँ। आज ज़रा हम लोग अलोला वाले पोकेमॉन से खेलते हैं, और सामने हैं हमारे कालोस वाले जो कि है निंजा और यार टैलोन फ्लेम। तो यहाँ पे मज़ा आने वाला यार, ये रीजन वाले चैलेंजेस तुमको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे को भी यार ये वाले चैलेंजेस करने में मज़ा आता है, क्योंकि दो अलग अलग रीजन के पोकेमॉन्स को लड़वाने में आपस में यार अलग ही मज़ा है भाई। सही में लेट्स गो। मैं यहाँ पे यार कंप्लीट करता हूँ अपना फार्म बढ़िया तरीके से। जंगल मैंने ज़रूरा को दे रखा है, क्योंकि मेरा तो यार लेन में जल्दी हो जाएगा भाई, क्योंकि डेसिड वाइस से मतलब फार्म क्या स्पीड से होता है सबको पता ही है। लेट्स गो, ले लेते हैं इसको भी। सही है, मेरे को जल्दी से 5 लेवल करने पर ध्यान देना है। अरे यहाँ पर अच्छा इनका निंजा आया हुआ है, ये रहा फ्रोकी। ठीक है, इसको मैं मार सकता हूँ भाई। कितना ज़्यादा डैमेज आता है यार इसका स्टार्ट में ही। मेरे को नहीं लग रहा फ्रोकी अभी मेरे सामने कुछ कर पाएगा, बहुत गंदा वाला सीन है उसके साथ। रुक जाओ, अच्छे से मैंने वो वाला फार्म ले लिया, अभी ज़रा पीछे ही रहता हूँ। लेट्स गो, इसको भी खा लेते हैं। 5 लेवल हो जाऊँ होपफुली मैं इससे जल्दी। अरे यार अभी भी रह गया नीचे। ज़रूरा का भी सही है भाई, मतलब अपना डोमिनेशन चल रहा है फिलहाल अच्छा खासा। तो बस एक बार मेरे को मार देना है। चलो उसने तो नीचे मार दिया है यहाँ पर टैलन को, मेरे को एक बार यार निंजा को मार देना है यहाँ पर फ्रोकी को। रुको 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 रुको, जाएगा। अरे नहीं भाई, उसके पास भागने का अभी मूव है, वो अभी गोल में छुप जा रहा है। बट कोई नहीं, चलो जाने दो, हम लोग फिर भी एक ना एक मौका देख के तो मार देंगे कैसे करके। लेट्स गो, या फिर ऐसा कर सकता हूँ मैं नीचे भी जा सकता हूँ, इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन सही रहेगा भाई अभी, क्योंकि पुश तो करना सही नहीं रहेगा क्योंकि स्क्विशी भाई बहुत ज़्यादा है ये। अगर मैं एकदम बेस में घुस गया तो ये मेरे को मार भी सकता है बाई चांस निंजा, इसीलिए बेस में नहीं जाके मार रहे। उससे अच्छा मैं नीचे ज़रूरत का साथ दे देता हूँ, वो सही रहेगा। यहाँ पे ज़रा थोड़ा मार के ही चलते हैं इसको एक बार। चलो जाने दो भाई, पीछे आ जाओ, ज़्यादा अभी नाटक नहीं कर रहे। लेट्स गो, नीचे फार्म भी आने वाला है वैसे भी, इसको भी लेते हैं बढ़िया तरीके से जल्दी भाई। फुल स्पीड मेल्ट, और किसी को टाइम ही नहीं देना, जल्दी जल्दी जल्दी। लेट्स गो, 7 लेवल का हो जाऊँ बस मैं, एक बार मेरा आ जाए रिजर्व लीफ। रिजर्व लीफ भाई अलग ही मज़ा आता है मेरे को डेसिड वाई पे रिजर्व लीफ से। लेट्स गो, अब आ जाओ भाई, अब करते हैं पुश यहाँ पे, आ जाओ ज़रूरा। ओके, टैलन फ्लेम यहाँ छुपा हुआ है भाई, ख़त्म। ठीक है बढ़िया, इसी के साथ तोड़ भी दिया हम लोगों ने। चलो बहुत ही सही सीन है भाई, यहाँ पे एक बेस तो निकाल ही दिया। अब आते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं क्या चालू है। लेट्स गो भाई, आ जाओ ऊपर। यहाँ पे यार निंजा गोल कर रहा है, मैं नीचे चला गया तो इसने थोड़ा फ़ायदा उठा के गोल वगैरह कर लिया, बट कोई नहीं, इसको निकालते हैं आराम से। आ जाओ भाई, एक बार निंजा को मारते हैं फिर कर देंगे आराम से गोल। लेट्स गो भाई, मेरे फार्म खाने तक ये मार ही देगा क्या? नहीं, ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निंजा जाएगा भाई, क्या टाइमिंग पे हम दोनों ने गोल मारा सीरियसली। चलो ख़त्म ख़त्म है भाई, लेट्स गो। अब कर लो यहाँ पे स्टैक, सही मौका मिल गया मेरे को और ज़रूरा को यहाँ पे। और यार वैसे तुम लोग कमेंट के अंदर बताओ कि आजकल तुम लोग कौन सा एनिमे या फिर सीरीज़ वगैरह देख रहे हो, कमेंट के अंदर ज़रूर बताओ कि करेंटली भाई कौन सा एनिमे या सीरीज़ वगैरह तुम देख रहे हो। और तब तक यहाँ पे हम लोग इस गोल को जल्दी तोड़ते हैं। टूटेगा तो नहीं यार, उतना ज़्यादा फार्म है नहीं यहाँ पे, इससे अच्छा यहाँ पे यार जल्दी ऊपर हम लोग इसी को ले लेते हैं भाई, रेजी लेके जो आया हुआ है, फुल स्पीड मेल्ट मार देते हैं। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे पहले उसको तोड़ते हैं, बट जाने दो, उतना टाइम है नहीं क्योंकि उतना फार्म दिख नहीं रहा यहाँ पे। इससे अच्छा इसको इसी को मतलब रेजी लेके कोई टच करवा के तोड़ देते हैं, वही सही रहेगा। हम लोगों ने यार 2 बेस तोड़ दिए इनके ऑलमोस्ट। चलो भाई, ज़रूरा नहीं अकेले मार दिए दोनों, 2 बेस फाइनली हम इसके टूट चुके हैं, यानी कि हमारे पास बहुत तगड़ी वाली लीड चालू है भाई। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही वन साइडेड हो रहा है यार, अलोला वाले पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ने लग रहे हैं यहाँ पे। हमने उनका स्टार्ट में ही बहुत गंदा कर दिया है लेवल अप वगैरह से, आई गेस इसीलिए उनको मुश्किल हो रही है। ठीक है, निंजा को वापस मार सकते हैं एक्चुअली भाई, उसने यूनाइट खोल दी लिटरली। ये ले 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 लो भाई, मरो 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 भाई, क्या खतरनाक तरीके से निंजा को निकाल दिया मैंने। लेट्स गो, अब आराम से करते हैं यहाँ पे गोल। अरे 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 भाई, ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही अंदर घुसने लग रहा है, मर मत जाना अब गलती से भी, मेरे साथ भी भाई कुछ ना हो जाए। रुको रुको रुको, इसको पकड़ते हैं भाई। मेरा ये यार स्टन क्यों नहीं दिया इसने, समझ नहीं आया मेरे को, स्टन ही नहीं हुआ भाई, मर गया यार मैं फोकट में। यार यहाँ पे मरता नहीं अगर इससे स्टन हो जाता तो, बट पता नहीं क्यों टैलन फ्लेम इससे स्टन ही नहीं हुआ मेरे अटैक से। यार रुक जाओ भाई, अभी कोई गड़बड़ नहीं करनी, मैं एक बार टॉप पे आता हूँ। रुको रुको रुको, अच्छा टैलन यहाँ से जाएगा, इस बार नहीं बचेगा भाई, इस बार जाएगा, इस बार प्रॉपर स्टन लगाना इसीलिए बढ़िया रह गया। चलो ये भी ले लिया, आ जाओ भाई, बहुत ही सही सीन है। इन्होंने ज़्यादा गोल डाले हैं नहीं भाई, पता नहीं क्यों अभी तक। हम लोग गोल वाइज भी अभी बहुत सही चल रहे हैं, और निंजा यहीं पे कहीं पे है, रुक जाओ कहाँ है ये, अच्छा नीचे है, ठीक है रुक जाओ, वो गोल डाल रहा है भाई, हमारे पास यूज लीड है। निंजा की बारी, अरे 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 निंजा कहाँ कहाँ भाग रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भाई डेसिड भाई का रेंज भी तगड़ा है भाई, कुछ भी बोलो।
और मेल्टिंग स्पीड तो यार डेसी के पास है ही भाई, मतलब सबसे इसकी खतरनाक चीज़ इसकी ये मेल्टिंग स्पीड ही है, नेक्स्ट लेवल स्पीड है भाई सही में, अलग ही मज़ा आ जाता है एकदम मेल्ट करने में इससे। आ जाओ अब आराम से गोल्ड डालेंगे, बट यहाँ ज़रा गड़बड़ी हो गई भाई, मतलब हड़बड़ी है, मैंने कुछ भी यूनाइट खोल दी गलती से, मैं डायरेक्शन भी सेट नहीं कर पाया अच्छे से भाई, एकदम ही गंदा सीन हो गया ये तो, मैं गलत घुस गया ज़रा भाई। ज़रा इसको मार दे, इसको मार दे निंजा को, नहीं भाई बच गया यार वो, ये तो गंदा सीन हो गया। टॉप पे यार, टॉप पे कहीं वो ना चला जाए रेजी, लेकिन मेरे को देखना होगा। चलो उसने निंजा को तो मार ही दिया, सही है, मैं जाके टॉप पे इतने में मेल्ट करता हूँ, टॉप पे होपफुली कोई हो ना अभी। चलो कोई भी नहीं कर रहा भाई, सही है, टैलन फ्लेम पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई सही है भाई, अभी ज़्यादा कोई मेल्ट वगैरह कर नहीं रहा, मैं ही निकल लेता हूँ भाई फुल स्पीड से। अरे यार फार्म पे नहीं भाई अभी, अरे यार इतने में कोई आ ना जाए भाई, इतनी गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ मैं मेल्ट कर रहा हूँ फुल स्पीड, लेट्स गो। ठीक है, वो दोनों के दोनों पोकेमॉन नीचे ही हैं, ईजी मेल्ट हो गया भाई इतने में, सही है यार। ये सामने वाला गोल भी टूटा हुआ होता तो बढ़िया हो जाता, सीधा मेन टच करवा देते इसके बाद तो। चलो आ जाओ, अभी भी मैं इसको टच करवा ही दूंगा आराम से, इसको मैं अकेले ही तोड़ दूंगा एक्चुअली भाई, ज़रूर आने अकेले ही नीचे, वो दोनों संभाल रखे हैं, सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 50 के साथ तोड़ूंगा भाई इसको बहुत सही तरीके से, लेट्स गो भाई, इसी के साथ तोड़ दिया है भाई, बहुत गंदा ही वन साइडेड कर दिया यार, ये क्या सीन चला हुआ है भाई, उनको कुछ करने का मौका दे ही नहीं रहे, हद से ज़्यादा वन साइडेड कर दिया। अब तो सेंटर मेरे को लग रहा है अगर इन्होंने निकाल भी दिया तो भी मतलब हम हारेंगे नहीं शायद से, तो भी हम लोग गेम निकाल ही लेंगे, इतने ज़्यादा हमने गोल्ड डाल रखे हैं क्योंकि अभी तक। एक और गोल्ड कर दूँ क्या यार 12 का यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा और फार्म ले ही लेते हैं जितना भी फार्म है यहाँ पे, अब करते हैं इसको भी तोड़ ही देते हैं, ट्राई करते हैं, रुक जाओ एक बार, थोड़ा और फार्म जाएगा, ये भी गया, चलो बढ़िया, ख़त्म करो भाई ये वाले गोल को भी। चलो इसी के साथ अब बस इनका एक मेन बेस बाकी है, बाकी तो हमने सब कुछ तोड़ दिया, अब मेन बेस पे और गोल मारेंगे भाई एक बार सेंटर लेने के बाद, रुक जाओ बस सेंटर में कोई गड़बड़ करनी नहीं है, बट मेरे को लग रहा है अब सेंटर अगर हम जाने भी देना जानबूझ के तो भी हम लोग ये मैच जीत चुके हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ से गेम पलटा नहीं जा सकता कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम लोग एक गोल तो डालेंगे यार कैसे ना कैसे करके डबल वाले टाइम पे भी। अरे भाई ये क्या सीन चला हुआ है भाई, सरेंडर क्यों, हम जीत तो रहे अच्छे से, बॉटम का ऑब्जेक्टिव है वो भी हम लोग को मिल रहा है इजीली, उसको भी निकाल ही लेते हैं, आ जाओ लेट्स गो, फुल स्पीड मेल्ट हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, फुल स्पीड मेल्ट भी हो गया यहाँ पे। अब बताओ भाई अब कहाँ आना है, ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये यहाँ पे मारेगा, मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है कोई नहीं है, कहाँ पे है यार फिर ये बंदे भाई, छुप के हमारा वेट भी नहीं कर रहे, ये तो कर लेना चाहिए था। ठीक है यहाँ पे, आ जा भाई आ जा, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे कौन है, निंजा निंजा, ठीक है भाई निंजा के साथ तो गलत ही हो गया, टैलन फ्लेम भी है यहाँ पे, रुको रुको रुको, टैलन भी जाएगा, ख़त्म भाई, लेट्स गो भाई, ख़त्म है अब तो गेम, मेल्ट कर देते अब फुल स्पीड से, चलो 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 ख़त्म। चलो भाई इसी के साथ अलोला को मतलब हमने हद से ही ज़्यादा वन साइडेड से जिता दिया भाई, क्या ही बोले, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन कर दिया ये तो, मार दिया यार निंजा को, दो बार मैंने ऐसे मतलब बचते बचते भाग रहा था वो बंदा भाई, दो बार मैंने उसको ऐसे करके मारा है जो वो बच रहा था ऑलमोस्ट, बट स्टिल मैं ऐसे कर ही दिया भाई यूनाइट से। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर देना, और अगला कौन से रीजन पे हम लोग ऐसे चैलेंज करें यार वर्सेस वाला कमेंट के अंदर बता देना, मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।